हेलो गाइस, सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा इंटेग्यूमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था जो स्किन है वो, उसके डिफरेंट जो मॉडिफिकेशंस हैं वो किस तरह से होते हैं। तो स्किन को जो है उस उन मॉडिफिकेशंस की वजह से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन कहा जाता है। जैसे कि देखा था हमने कि लोकोमोशन के लिए मॉडिफाई हो रही है, ब्रूट पाउचर्स के लिए मॉडिफाई हो रही है। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। ये ACF का जो सिलेबस है हमारा जूलॉजी का, उसकी सेकेंड यूनिट में है ये। सो इसमें डिफरेंट जो फाइलम है उनके स्किन के बारे में हम देखेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सो जो स्ट्रक्चर है स्किन का, कॉर्डेट्स की जो स्किन होती है उसमें टू लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं। एक आउटर एपिडर्मिस होती है जो कि एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से ड्राइव होती है, ओके। एंड नेक्स्ट जो है अंदर वाली डर्मिस होती है जो कि मीजोडर्म की डेरिवेटिव होती है। और नॉन कॉर्डेट्स में जो है सिर्फ एपिडर्मिस होती है, उनमें डर्मिस नहीं होती है एक्सेप्ट इकाइनोडर्म्स। सो अब हम देखेंगे जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं उनकी स्किन किस तरह की होती है। सो प्रोटोकॉर्डेट्स जो है ये क्या है, मरीन एनिमल्स हैं और ये एक्वाटिक अडेप्टेशन शो करते हैं। इनकी स्किन एक्वाटिक अडेप्टेशन शो करती है। जैसे कि एम्फीऑक्सस है तो उसकी जो आउटर स्किन है वो एपिडर्मिस से बनी होती है और अंदर जो है इनर डर्मिस होती है, लेकिन एपिडर्मिस जो है वो एक सिंगल लेयर की बनी होती है। सो यहाँ है ये एपिडर्मिस, ये एक सिंगल लेयर की बनी है जिसमें सीलेटेड कॉलुमिनर एपिथीलियम की ये बनी हुई है और यूनिसेल्युलर एपिडर्मल ग्लैंड जो है इसमें प्रेजेंट है। सो ये एक यंग और एम्फीऑक्सस की स्किन का डायग्राम यहाँ पे दे रखा है हमें। सो ये वाली जो सेल की लेयर है एपिडर्मिस, ये इसको प्रोटेक्ट करती है और जो आउटर जो सरफेस है उससे। सो इसके ऊपर जो है एक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट रहती है। सो क्यूटिकल की इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट करती रहती है जो कि एपिडर्मिस को प्रोटेक्ट करती है आउटर जो एनवायरनमेंट है उससे, ओके। फिर उसके बाद ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो है वो अटैच रहती है, दैट अटैचेस एपिडर्मल सेल विद द डर्मल टिश्यूज। सो डर्मिस जो है इसकी कंपोज रहती है, ये है डर्मिस और इसमें जो है लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं और इसमें जो है मिलानोसाइट्स एब्सेंट होते हैं। सो इस तरह की जो है प्रोटोकॉर्डेट्स की स्किन है, एपिडर्मिस होती है और डर्मिस में जो है लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बनी रहती है और काइटिन की इसके ऊपर जो है लेयर रहती है प्रोटेक्शन के लिए। सो नेक्स्ट है साइक्लोस्टोमेटा की स्किन। सो साइक्लोस्टोमेटा भी क्या है, मरीन एनिमल्स हैं ये भी जो है, और ये पैरासिटिक और फ्लैश फीडर्स हैं, ठीक है। इनके जो स्किन होती है ये मरीन है, लेकिन इनके स्केल्स जो है इनकी स्किन पे नहीं पाई जाती हैं। और इसके अलावा ये डार्क कलर के होती है स्किन की स्किन, लेकिन जो लार्वल स्किन है वो सीलिएटेड होती है, लार्वा की स्किन पे जो सीलिया प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा की जो है स्किन का जो है डायग्राम दे रखा है। सो एपिडर्मिस जो है वो सारी लिविंग सेल्स की बनी है, बट ये एक थिक और मल्टी लेयर्ड होती है जो कि बाहर जो है एक क्यूटिकल की लेयर इस पर प्रेजेंट रहती है एपिडर्मिस पे। और ये जो यहाँ पे एपिडर्मिस में यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो ये यूनिसेलुलर जो है ग्लैंड्स प्रेजेंट है इस एपिडर्मिस में, दिस इज एपिडर्मिस और नीचे जो है डर्मिस है इसके। सो यहाँ पे जो है कैनन्क्यूली हैं और ये कप शेप ग्लैंड्स प्रेजेंट है इसमें। सो डर्मिस ऑफ साइक्लोस्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ कैलोजिनस कनेक्टिव टिश्यू विच इज टफ एंड फाइब्रस टिश्यू। सो ये जो कैलोजिन होता है वो स्किन को क्या देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। सो साइक्लोस्टोम की स्किन जो है वो सिंपल होती है विदाउट मैनी मॉडिफिकेशंस एज सीन इन मोर एडवांस ग्रुप्स। सिंपल स्किन हो जाएगी इसकी, एपिडर्मिस प्रेजेंट रहेगी, डर्मिस प्रेजेंट रहेगी और एपिडर्मिस में जो है यूनिसेलुलर ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। फिर फिश की स्किन, तो फिश जो है वो एक्वेटिक होती है और इसमें जो है इसकी स्किन जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है अडाप्ट रहती है। सो इसमें मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होती है जो कि लिविंग सेल्स की बनी होती है और आउटर सर्फेस जो है वो क्यूटिकल से ढकी हुई। तो स्किन जो है फिश की इंटेग्यूमेंट जो है
ये हमने एक इससे पहले की वीडियो में डिटेल से पढ़ा था, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो फिश में जो है एक टिपिकल स्ट्रैटम कॉर्नियम एब्सेंट होती है, जो कि डेड सेल्स से बनी होती है, एंड कॉर्निफाइड सेल्स फाउंड इन टेट्रापोड्स। तो जो टेट्रापोड्स में जैसे कि पाई जाती है ये स्ट्रैटम कॉर्नियम की लेयर, वो फिश में एब्सेंट होती है। यहाँ पे मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स भी जो है होते हैं कुछ फिशेज में, जैसे कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं ईल्स में और इलेक्ट्रिक रेज में जो कि शॉक देते हैं, और ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड्स होते हैं इन डीप सी फिशेज जो कि उनको ग्लो करने में मदद करते हैं, एंड म्यूकस ग्लैंड्स जो हैं वो सारे क्या होंगे, इसमें यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये एक स्केल है फिश की। सो स्केल जो है फिश में पाई जाती हैं चार पांच तरह की। तो देखो काइंड्स ऑफ स्केल जो है वो चार तरह की है यहाँ पे। पहला है कॉस्मॉइड स्केल्स, तो इनके इन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है उस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो। सो ये जो है एंशियंट क्रोसप्टेरिजियन जो फिशेस थी, जो डेवोनियन पीरियड में मिलती थी, उनमें ये जो है कॉस्मॉइड स्केल्स मिलती थी। तो ये बहुत ज़्यादा जो है थिक लेयर होती थी स्केल्स की और स्ट्रांग होती थी, लेकिन एक ही दिक्कत थी इसमें कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, यानी वो इजीली जो है स्विम नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से जो लेटर जो शार्क्स वगैरह इवॉल्व हुई, तो वो आराम से जो है इनको खा जाती थी। तो फिर इवोल्यूशन में जो है ये स्केल्स फिर जो फिश है उन्होंने शेड कर दी, और इसकी जगह न्यू जो स्केल्स है इवोल्यूशन में न्यू स्केल्स डेवलप हुई थी। सो ये स्ट्रांग होती थी लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं होती थी, और थिक हार्ड स्केल्स कवरिंग द बॉडी, नॉट एक्टिव एंड फास्ट स्विमिंग एनिमल्स नहीं थे ये। देन गोनॉइड स्केल्स आई। सो ये थिक रोमबॉइडल स्केल है, इनकी शेप जो है रोमबॉइड जैसी होती थी, और इनका सरफेस जो है वो एक हार्ड इनेमल लाइक मटेरियल गोनेनियन से जो है ढका रहता था। तो इसमें ये लैक्यूने और कैनन्क्यूली होती हैं स्केल्स में, यानी पिट्स और केनाल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, और ये जो है इसका सरफेस बनाती हैं। फिर है साइक्लॉयड एंड टीनॉयड स्केल्स। तो ये दोनों स्केल्स जो हैं ये मॉडर्न टीलोस में पाए जाते हैं। ये थिन लेकिन स्ट्रांग और एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल जो है स्केल्स है। तो पांच टाइप के स्केल्स हैं। ये जो है लार्ज ओवल शेप की होती है एंड मेड अप ऑफ आइसोपिडीन एंड फाइब्रस टिश्यू की ये बनी होती है, इसलिए इनमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये, और स्ट्रांग भी होती है ये। देन लास्ट है प्लेकॉइड स्केल्स। ये जो है कार्टिलेजिनस फिशेज में पाई जाती हैं, और ये हार्ड एंड माइक्रोस्कोपिक होती है इन साइज। सो ये हो गया जो है स्केल्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो अब इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन हुआ जो स्केल्स हैं फिशेस की, उसमें ये जो पुरानी वाली आर्मर जैसी थी, जो थिक कवरिंग थी, ये उन्होंने जो है धीरे धीरे ये ऐसी प्लेकोइड स्केल्स वगैरह में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो यहाँ पे ये जो टीलोस्ट वगैरह हैं इनमें ये कॉस्मॉइड स्केल्स वगैरह, जो साइक्लॉयड और टीनॉइड स्केल्स जो हैं, ये मॉडर्न जो टीलोस्ट में हैं ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और थिन स्केल्स हैं, तो इसलिए इनको आराम से जो ये क्विक स्विमर्स हो गए हैं अब, और आराम से जो है एस्केप कर सकते हैं अपने प्रीडेटर्स को। अब नेक्स्ट है एम्फीबियन की स्केल्स। अब तक हमने जो है देखी थी जो फिश वगैरह उनकी। सो एम्फीबियन की जो स्किन है ये अडाप्टेशन शो करती है टू द टेरेस्ट्रियल लाइफ, बट ये जो है वापस वाटर में भी रह सकते हैं, तो इनका दोनों तरह का अडाप्टेशन होता है। सो स्किन ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट सर्टेन अडेप्टन टू द एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ। एक्वाटिक के लिए भी अडेप्टेड है, और ये जो टेरिस्ट्रियल रीजन है उसके लिए भी अडेप्टेड रहती है इनकी स्किन। सो इनमें क्या है कि लैंड पे इनकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो है स्ट्रॉन्ग सोलर रेडिएशंस एंड डेसिकेशन। सो इसकी वजह से इन पे इनके स्केल पे इनके स्किन पे जो है कोई भी स्केल नहीं पाई जाती है जो मॉडर्न एम्फीबियंस है, लेकिन जो इनके एंसेस्टर्स जो थे जैसे लेब्रियंथोडोंट एम्फीबियन, इनमें जो है डर्मल स्केल्स पाई जाती थी स्किन पे फॉर प्रोटेक्शन, और इनके जो है स्केल ही प्रोटेक्शन अब चली गई है। और तो एम्फीबियन इवॉल्व म्यूसिलर पॉइजनस ग्लैंड जो है यहाँ इन्होंने इवॉल्व कर लिए, तो अब इनको प्रोटेक्शन मिलता है जो पॉइजनस ग्लैंड है उनकी वजह से, तो जो प्रीडेटर्स है वो इनको खाते नहीं है। सो ये इनकी जो स्किन है एपिडर्मिस, और ये डर्मिस में इनके पॉइजनस ग्लैंड जो है वो लोकेटेड रहते हैं, और ग्लैंडुलर ग्लैंड भी जो है, और म्यूकस वाले ग्लैंड भी, ताकि इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट रहे जब ये टेरिस जो लैंड पे आए तब भी।
सो एम्फीबियन स्किन इज सिंपलेस्ट स्किन हैविंग नो पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन एज फाउंड इन हायर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स, बट इसमें जो है टिपिकल स्ट्रक्चर होते हैं टेरेस्ट्रियल स्किन के दैट इज सब्सिक्वेंटली कैरिड थ्रू टू द रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स. सो म्यूकस ग्लैंड जो है इनकी स्किन को मॉइस्चर देते हैं और पॉइजनस ग्लैंड जो है इनके जो प्रीडेटर्स हैं उनको दूर रखते हैं. नेक्स्ट है रेप्टिलियन स्किन. तो ये जो है कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं वाटर के, ये ज़मीन पर रहते हैं. सो इनके जो है स्किन उसी तरह जो है वो रहती है, अडेप्टेड होती है इनकी स्किन जो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंगली. सो ये ब्रीडिंग के लिए जो है प्लांट पे ही जो है एग देते हैं. सो इनके जो ये लार्ज क्लियर्ड शेल्ड एग होते हैं इनके दैट डेवलप एंड हैच ऑन लैंड. सो रेप्टाइल्स आर अडेप्टेड टू द लाइफ इन एरिड क्लाइमेट एंड हैव वेरी फ्यू ग्लैंड्स. और यहाँ पे जो है देर आर डर्मल प्लेट्स ऑन द बॉडी ऑफ क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स. सो टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स की जो स्किन है उसके ऊपर डर्मल प्लेट्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि उनको प्रोटेक्शन देती हैं अगेंस्ट देयर प्रीडेटर्स. सो एक्सोस्केलेटन जो है वो क्लियोना या टॉर्टोइज एंड टर्टल्स में जो है वो होता है डॉर्सल कॉन्वेक्स कैरापेस का एंड वेंट्रल फ्लैट जो है प्लास्टरन विच आर अटैच बाय द लिगामेंट ऑन द लेटरल साइड्स. और आउटर सरफेस जो है वो कैरापेस एंड प्लास्टरन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल प्लेट्स कॉल स्क्यूटस. सो आउटर सरफेस जो है एपिडर्मल प्लेट्स वो स्क्यूटस की बनी होती है एंड वाइल द इनर जो सरफेस है वो मेड अप ऑफ डर्मल प्लेट्स की जो है बनी होती है. सो यहाँ पे एपिडर्मिस में जो है यहाँ पे स्ट्रैटम कॉर्नियम है इनके, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम और स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम. और डर्मिस में जो है इनके बेसमेंट मेम्ब्रेन, पिगमेंट लेयर, डेंस फाइबर्स और ब्लड वेसल्स एंड लूज फाइबर्स जो है ये पाए जाते हैं. सो कैरापेस जो है वो फ्यूज रहती है विद वर्टिब्रल कॉलम एंड अटैच टू द प्लास्टरन ऑन द साइड्स रेप्टाइल्स में. देन नेक्स्ट जो है बर्ड्स की स्किन. बर्ड्स में जो है स्किन से फीदर भी निकलते हैं. सो बर्ड की स्किन जो है वो थिन होती है एंड लूजली अटैच रहती है थ्रू द बॉडी ताकि उनको जो है फ्री मूवमेंट अलाउ कर सके विंग्स को ड्यूरिंग फ्लाइट. एंड बेसिक स्ट्रक्चर इज अ टिपिकल टेट्रापोड स्किन. इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो टेट्रापोड की स्किन के जैसा होगा. फीदर जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक मॉडिफिकेशन है बर्ड की स्किन में. सो यहाँ जो है फीदर निकलता है इनकी स्किन से जो एपिडर्मिस है वहाँ से. एंड ये फीदर जो है इनकी पूरी एंटायर बॉडी को कवर करके रखते हैं और उसके अलावा फ्लाइट में भी इनको हेल्प करते हैं. तो ऐसा नहीं कि सारे बर्ड्स जो हैं वो उड़ सकते हो, कुछ बर्ड्स जो है वो फ्लाइट लेस भी होते हैं जैसे कीवी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ऑस्ट्रिच है, एमू है. सो ग्लैंड जो है यहाँ पर एबसेंट रहेंगे इन द स्किन एक्सेप्ट द यूरोपाइजल ग्लैंड नियर द टेल जो कि ऑयल सिक्रीट करते हैं फॉर प्रीनिंग फीदर. सो वहाँ से ऑयल सिक्रीट होता है. और मॉडिफिकेशन ऑफ स्किन इंक्लूड एपिडर्मल स्केल्स ऑन द लेग एंड फीट एंड क्लॉज बीक्स एंड स्पर एंड कॉम. सो यहाँ पे जो है स्किन मॉडिफाइड दिखती है हमको एपिडर्मल स्केल्स के रूप में. अब इनमें जो फीदर्स हैं देखो कॉन्टूर फीदर्स जो हैं इनको हम क्विल फीदर्स भी कहते हैं. ये हार्ड फीदर्स होते हैं दैट कवर द एंटायर बॉडी एंड फॉर्म द कॉन्टूर और आउटलाइन ऑफ द बॉडी बाय विच वी आइडेंटिफाई द बर्ड. यानी उस उनसे जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं बर्ड्स को. और जो वेंट्रल साइड है ऑफ द शाफ्ट हैज़ अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव कॉल्ड अम्बिलिकल ग्रूव. सो बार्ब्स जो है इन शाफ्ट के आइदर साइड्स में जो है अरेंज रहते हैं पैरेलली एंड ये जो है फॉर्म करते हैं फ्लैट वैन दैट हैज़ एरोडायनामिक शेप. फिर उसके बाद डाउन फीदर्स जो होते हैं इनको हम प्लूम्यूल्स कहते हैं. ये सॉफ्ट फीदर्स होते हैं और ये इंसुलेशन का काम करते हैं डाउन फीदर्स बिटवीन हार्ड कॉन्टूर ऑफ फीदर्स एंड द डेलिकेट स्किन. उसके बीच में प्रेजेंट रहते हैं और इंसुलेशन में मदद करते हैं यानी हीट लॉस को जो है ये रोकते हैं. और पाउडर डाउन इज अ टर्म यूज्ड टू आइडेंटिफाई सच फीदर्स इन एडल्ट वेयर इज नेस्लिंग डाउन अपीयर्स इन चिक्स. सो चिक्स में जो है नेस्लिंग डाउन फीदर्स होते हैं और पावर डाउन फीदर्स जो है वो एडल्ट में होते हैं. अब है हेयर फीदर्स. ये हेयर लाइक थिन होते हैं और लॉन्ग फीदर्स होते हैं. इनको हम
फिलोप्लूम्स या फिर पिन फीडर्स भी कह सकते हैं, और ये पूरी बॉडी पे जो है स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। ये स्पेशली मॉडिफाई होते हैं टू गार्ड नॉस्ट्रल्स, ईयर ओपनिंग एंड सर्व एज आई लैशेज। हेयर फीडर्स जो है इस तरह से इनका काम होता है। दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग थिन हेयर लाइक शाफ्ट टू द टॉप ऑफ विच आर अटैच्ड बंच ऑफ थिन बार्ब्स एंड बार्ब्यूल्स। सो ये हो गए कॉन्टू फीदर्स, डाउन फीदर एंड हेयर फीदर। अब जो फीदर है उनका डेवलपमेंट जो है वो क्यों हुआ था? सो फीदर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है? देखो, जो फीदर्स ग्रो हो रहे हैं सर्टेन ट्रैक्ट्स में, सर्टेन जो स्किन के सर्टेन प्लेसेस में जो उगते हैं उनको हम फीदर ट्रैक्ट्स या फिर टायरले कहते हैं। और ये फीदर जो है वो दे डू नॉट, और ऐसे एरिया जहाँ पे फीदर नहीं उग रहे हैं उनको हम एप्टायरले कहते हैं और एप्टीरिया कहते हैं, ठीक है। बट द ग्रोथ इज़ डेंस एंड हैंस द इंटायर बॉडी इज़ कवर्ड विद द फीदर। यानी ऐसी जो फीदर्स की ग्रोथ होती है वो डेंस होती है, तो पूरी बॉडी जो है उसकी कवर रहती है। तो हम बर्ड्स को देखते हैं तो उसकी पूरी बॉडी जो है फीदर से कवर है, ऐसा कोई भी जगह नहीं होती जहाँ पे उसके फीदर्स ना हो बॉडी पे, एक्सेप्ट देर जो उनके लेग होते हैं उनके अलावा और बीक के अलावा। सो यहाँ जो है ऐसा रीजन जो है देखना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पक्षियों के ना कहीं के दिख नहीं रहे हो हमको फीदर्स, तो पूरी बॉडी कवर रहती है। जैसे कि प्रीकॉकियल चिक्स जो होते हैं, जैसे फाउल में और गेम बर्ड्स में, गेम बर्ड्स होते हैं जो खाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनमें क्या होता है जो नेस्लिंग डाउन फीडर्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनमें नेस्लिंग डाउन फीडर्स होते हैं जब वो हैच हो जाते हैं उसके बाद फ्रॉम द एग एंड। बट जो एल्ट्रिकल चिक्स हैं जैसे कि स्पैरो और पिजन है, ये नेकेड पैदा होते हैं, इनके बिल्कुल भी जो है एक भी फीडर नहीं होता है शरीर पे। फिर उसके बाद जब वो ग्रो होते हैं, जब एडल्ट बनते हैं धीरे धीरे, तब उनके फीडर्स जो है वो आना शुरू होते हैं। सो फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ फीडर ऑन द स्किन इज़ द अपीयरेंस ऑफ पिंपल लाइक एलिवेशंस। सो पहला जो स्किन पे जब फीदर्स आना शुरू होते हैं तो पिंपल लाइक, जैसे पिंपल होती है ना हमारे, वैसे वो पिंपल जैसे एलिवेशन हो जाती है उनके, और उसे हम फीदर प्राइमोडियम कहते हैं। फिर ये जो है फीदर फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं इन द मिडल ऑफ विच द फीदर ग्रोज, और उसके बीच में जो है फीदर जो पंख है वो उग जाता है। सो द बॉडी ऑफ फीदर इज प्रोड्यूस बाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल असिस्टेड बाई फीदर पैपिला। सो ये हो गया। अब लास्ट जो बच गया है हमारा कि मैमिलियन स्किन वो किस तरह से होती है। सो जो मैमल्स की स्किन है होती है वो थिक और टफ और ग्लैंडुलर और हेयर से कवर रहती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का, हेयर्स। सो इससे ये कवर रहेगी। और डर्मिस जो है वो ज़्यादा थिकर होती है देन एपिडर्मिस, बट जनरल स्ट्रक्चर जो है वो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है जो कि टिपिकल टेरेस्ट्रियल स्किन का कैरेक्टरिस्टिक है कि जो डर्मिस है वो ज़्यादा, जो हमारी स्किन होती है वो ज़्यादा थिक होती है क्योंकि हमको बहुत हार्श इन्वायरमेंट में जो है डील करना पड़ता है। सो एपिडर्मिस इन सम एरियाज इज़ वेरी थिक एंड कैन बी डिफ्रेंशिएट इनटू सेवरल लेयर्स। और डर्मिस जो है वो थिक होती है एंड कंपोज्ड ऑफ कैलोजिनस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि जो स्किन है उसको टफ एंड फाइब्रस बनाते हैं। जो कैलोजिन होता है वो स्किन को स्ट्रेंथ देता है और उसे टफ और फाइब्रस बनाता है। सो मैमिलियन स्किन में जो है बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि सुडोरीफेरस या फिर स्वैट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, ये सारे ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं जो कि हेयर फॉलिकल से अटैच रहते हैं हमारे। एंड देन सेंट ग्लैंड्स और हिडोनिक ग्लैंड्स जो कि जैसे कि मस्क डियर है और सीवेट्स हैं, इनमें ये पाए जाते हैं। और ये एपिडर्मल ग्लैंड्स का ही मॉडिफिकेशन है, इनसे जो है एक तरह की सेंट जो है वो निकलती है, एक खुशबू जैसी जो है वो निकलती है इनसे। सो यहाँ पे है एक मैमिलियन स्किन। सो यहाँ पे मैमिलियन स्किन में क्या होता है, हेयर होते हैं। सो यहाँ ऑयल ग्लैंड्स भी एपिडर्मिस है, और डर्मिस में जो है ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये हमारे हेयर फॉलिकल, नर्व्स वगैरह, लिम्फ वेसल और सबक्यूटेनियस टिश्यू। सो ये सब जो है वेन्स, आर्टरीज, और इसका जो हम यहाँ से एक सेक्शन देखेंगे तो मिलानिन और बेसल सेल्स एंड मिलेनोसाइट्स, जो कि मिलानिन है वो हमारी बॉडी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
सो जिसमें जितना ज़्यादा मिलानिन होता है उसकी स्किन जो है वो उतनी डार्क होती है, और जितना कम होता है उसकी स्किन उतनी ही लाइटर कलर की होती है। सो मैमिलिन स्किन जो है वो सेंसरी होती है क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे स्पेशलाइज रिसेप्टर्स भी जो है प्रेजेंट है, सच एज पैसिनियन कॉर्पसल्स, मेसनर कॉर्पसल्स, टैक्टिकल डिस्क, टैक्टाइल डिस्क एंड क्रॉसेस एंड बल्ब्स एक्सेट्रा। सो एक सेंसरी ऑर्गन की तरह भी काम करती है, जब हमारे स्किन को कोई टच करता है तो हमें महसूस होता है कि हाँ ये टच हुआ है, गर्म ठंडा हम सब महसूस कर सकते हैं स्किन के थ्रू। सो ये एक सेंसरी ऑर्गन है। और सो जो हेयर फॉलिकल के बेसिस हैं वहाँ पे भी जो है नर्व्स की सप्लाई रहती है, तो यहाँ पे हेयर भी जो है हमारे वो सेंसरी हो जाते हैं इस वजह से। सो जैसे कार्निवोर्स और रोडेंट्स एंड मैनी अदर मैमल्स फॉर द स्पेशलाइज हेयर ऑन द अपर लिप जिनको हम विस्कर्स कहते हैं, सो वो सेंसिटिव होते हैं टू द एयर करंट टच एंड वाइब्रेशंस के लिए। सो वो भी मैमल्स एंड रोडेंट्स वगैरह भी, तो उनमें जो मूछें होती है उनकी जो विस्कर्स होते हैं वो सेंसिटिव ऑर्गन की तरह काम करते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ हेयर कैसे डेवलपमेंट होता है, सो हेयर जो है वो स्किन पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ग्रो होना शुरू हो जाता है, और फिर हमारी पूरी ज़िंदगी जो है थ्रू आउट अवर लाइफ दिख रो मैमल्स में। एंड व्हेन अ हेयर हैज़ टू ग्रो, एपिडर्मल सेल्स इन दैट एरिया मल्टीप्लाई फास्ट फॉर्मिंग अ मास ऑफ सेल कॉल्ड हेयर प्राइमोडियम। फिर उसके बाद यहाँ से जो है डर्मल पैपिला जो है इसके बेस पे आती है, दैट कैरीज द डर्मल पैपिला एट द बेस, और उससे जो है ये केराटिनाइजेशन ऑफ डर्मल सेल्स इनसाइड द हेयर फॉलिकल प्रोड्यूसेस हेयर रूट। सो हेयर फॉलिकल के अंदर जो एपिडर्मल सेल है उनका केराटिनाइजेशन होता है, और फिर वहाँ से जो है रूट हेयर ग्रो होती है, और फिर शाफ्ट, एंड फिर उसके बाद ये स्किन से बाहर आ जाता है तो वो हेयर हो जाता पूरा हमारा। और जो लेंथ है हेयर की वो डिटरमाइन करती है वियर एंड टीयर टू विच द टिप ऑफ हेयर इज एक्सपोज एंड द थिकनेस ऑफ द हेयर शाफ्ट, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है हेयर की जो लेंथ है। उसके अलावा स्किन जो है यहाँ पे मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो रहा है इन मैमल्स, ये भी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। सो मैमरी ग्लैंड जो है वो एपोक्राइन कंपाउंड होते हैं, ट्यूबुलो एक्राइन एक्रिनर एसिनर ग्लैंड चाहिए, दैट स्पेशलाइज इन सिक्रेटिंग नरिशिंग फ्लूड लाइक मिल्क दैट इज सक्ड फ्रॉम टीथ्स बाय द यंग वंस ऑफ द मैमल्स। सो मैमल्स जो है अपने बच्चों को उसी से फीड करते हैं मिल्क जो है। सो डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है ये कंप्लीट हो जाता है, और ये दोनों में प्रेजेंट होता है मेल और फीमेल में। सो पोजीशन एंड नंबर ऑफ निपल्स फॉर्मिंग अलोंग द मिल्क लाइन वेरीज इन डिफरेंट स्पीशीज़। सो ये जो है डिफरेंट स्पीशीज मैमरी ग्लैंड जो है वो डिफरेंट नंबर के हो सकते हैं। एक वन पेयर ऑफ एक्सिलरी निपल्स आर फॉर्म्ड इन फ्लाइंग लेमूर्स, जो लेमूर्स हैं, थोरेसिक इन प्राइमेट्स एंड बैट्स एंड साइरेनियंस, एंड वन और टू पेयर इन इंग्विनल और उंगुलेट्स जो हैं उनमें ये पाए जाते हैं टू पेयर। सो जब मैमरी ग्लैंड हैं वो डेवलप होते हैं, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द मिल्क लाइन इन द पर्टिकुलर लोकेशन स्टार्ट मल्टीप्लाइंग फास्ट फॉर्मिंग ए मास ऑफ मैमरी टिश्यू दैट ग्रो एंड ब्रांचेस टू फॉर्म ए मास ऑफ कंसिडरेबल साइज, और फिर जो मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो जाता है एट दिस स्टेज द बोथ सेक्सेस, एंड फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली इन फीमेल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। सो जब एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो जाता है उसके बाद यहाँ पे मैमरी ग्लैंड्स का जो है डेवलप होना बंद हो जाता है, और फिर ये फीमेल में ही होता है प्यूबर्टी के टाइम जो है वापस। सो अनलाइक हेयर और टीथर डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड डजेंट नीड द असिस्टेंस ऑफ डर्मल पैपिला। सो मोनोट्रीम्स पोजेस प्रिमिटिव मैमरी ग्लैंड विच आर परहैप्स मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड एंड दैट गॉट अटैच टू देयर टू द हेयर फॉलिकल्स। सो उसके बाद है हॉर्न्स इन मैमल्स, तो ये भी है एक मॉडिफिकेशन। सब
मैमल्स में हॉर्न्स नहीं होते हैं, हमारे सर पे सींग नहीं उगे हुए हैं। सो यहाँ पे एक पे हॉर्न होता है ऑन द हेड, विच आर ऑर्गन एंड ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस एंड समटाइम्स सर्व एज अ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ मेल। सो ये ऑफेंस और डिफेंस के ऑर्गन होते हैं। और इसके अलावा जो जैसे कि स्टैग्स वगैरह होते हैं, हिरन वगैरह होते हैं, तो उनमें ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं मेल में, टू अट्रैक्ट टू फीमेल। सो यहाँ पे पांच टाइप के हॉर्न्स मिलते हैं मैमल्स में। पहला है ट्रू और हॉलो हॉर्न्स। ट्रू और हॉलो हॉर्न्स जो है ये मिलेंगे फैमिली बोवेडी में, दैट इंक्लूड्स कैटल। ये कैटल जैसे कैटल, शीप, गोट और एंटीलोप्स में ये होते हैं। ये जो स्ट्रेट या फिर कर्व्ड या फिर स्पायरलिंग हो सकता है एज इन एंटीलोप्स एंड शीप। एंटीलोप्स में बहुत ज़्यादा जो है ये घुमावदार होते हैं। एंड ये बोनी कोर से बने, इनकी जो कोर होती है वो बोनी होती है एंड केराटिनाइज्ड एपिडर्मल शीट से ये बने होते हैं। देन है प्रॉन्ग हॉर्न्स। ये प्रॉन्ग हॉर्न्स जो है वो एंटीलोप में पाया जाता है। और ये उनके जो है डिफेंस के लिए भी काम आते हैं और ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं। देन है एंटलर्स। ये डियर फैमिली में पाए जाते हैं और सवीडी। सो ये यहाँ पे जो है मेल्स में पाए जाते हैं। ओके, और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करते हैं एंड मेंट टू अट्रैक्ट फीमेल एज वेल एज टू इंटीमेट और फाइट द राइवल मेल्स। सो ये हॉर्न जो है ये इनमें बोनी कोर होती है एंड ग्रो फ्रॉम द फ्रंटल बोन्स ऑफ द स्कल। जो स्कल की फ्रंटल बोन है वहाँ से ये ग्रो होते हैं एंड लिविंग वेलवेटी स्किन से ये कवर्ड रहते हैं। देन नॉब हॉर्न्स और जिराफ हॉर्न्स। ये जिराफ में मिलते हैं, जिराफ और ओकापी में, एंड दोनों सेक्सेस में मिलते हैं ये, मतलब मेल फीमेल दोनों में मिलेंगे। और ये परमानेंट स्ट्रक्चर है इनके, और ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं टू द एंटलर्स विद बोनी कोर कवर्ड विद वेलवेटी स्किन। फिर हेयर हॉर्न और केराटिन फाइबर हॉर्न्स। ये राइनोसोरस में मिलते हैं उनकी नाक के ऊपर। ये स्पेशलाइज्ड हेयर और केराटिनाइज्ड फाइबर से बने होते हैं दैट गेट एग्लूटिनेटेड टू फॉर्म अ पॉइंटेड एंड हार्ड हॉर्न, जो कि इंडिया में जो मिलता है और इसके अलावा अफ्रीका में भी पाया जाता है राइनोसोरस। उसकी नाक पे जो है हॉर्न होता है वो हेयर का बना ही होता है। सो अदर मॉडिफिकेशन ऑफ मैमलिन स्किन भी देख लेते हैं। सो मैनी मैमल्स हैव एपिडर्मल स्केल्स ऑन द फीट एंड टेल ऑफ जो फीट है, और जो रैट एंड माइस की टेल है वहाँ पे भी ये इसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है स्केल्स के रूप में। देर आर एपिडर्मल बोनी प्लेट्स ऑन द बॉडी ऑफ आर्म डिलो। जो आर्म डिलो है उसके ऊपर बोनी प्लेट्स के रूप में ये डर्मल बोनी प्लेट्स के रूप में मॉडिफिकेशन हो जाएगा स्किन का। उसके अलावा एस्ट्रियल और लीलियक कैलियोसाइटिस ऑन मंकीज बटॉक्स आर कुशन लाइक स्ट्रक्चर ऑन विच द एनिमल सिट्स ऑन हार्ड ब्रांचेस और रॉक्स, तो वो भी एक स्किन का मॉडिफिकेशन है। देन ए नील पैड ऑफ ऑन द लेग ऑफ नी पैड जो है कैमल के। और उसके अलावा ये जो है शॉक अब्जॉर्बिंग का काम करते हैं। और उसके अलावा जब वो ग्राउंड पे बैठता है तब भी उसको आराम से जो है बैठ सकता है वो, उसकी वजह से, नी पैड्स की वजह से। देन अ टॉरी आर एपिडर्मल पैड ऑन फिंगर्स, पाम्स एंड सोल्स ऑफ द फीट ऑफ प्राइमेट्स दैट हेल्प इन फर्म ग्रास्पिंग ब्रांचेस ऑफ द ट्री वाइल क्लाइंबिंग। देन उसके अलावा बेलिन्स आर हॉर्नी एपिडर्मल प्लेट्स नंबरिंग अबाउट 370 दैट हैंग फ्रॉम द रूफ ऑफ ओरल कैविटी ऑफ टूथलेस वेल्स। सो ये टूथलेस वेल्स में जो है मॉडिफिकेशन हो जाता है बोन्स के फॉर्म में, लाइक टूथ के फॉर्म में। एंड दे आर यूज टू फिल्टर प्लैंकटॉन्स सच एज क्रिल और इन दीज जाइंट्स ऑफ द सी। सो ये क्रिल्स पे, क्योंकि शार्क्स जो सॉरी जो वेल्स हैं वो फिल्टर फीडर्स होती हैं, तो ये उनको फिल्टर फीडिंग में मदद करती हैं। उसके अलावा क्लॉ, नेल्स एंड हूव्स आर ऑल्सो कॉर्निफाइड स्ट्रक्चर डिराइव फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। और ये जो है दो या दो से ज़्यादा जो कॉर्निफाइड टिश्यूज़ हैं टाइप के, उनसे बनी होती है। आउटर हार्ड होती है कवरिंग और शाइनी टिश्यू जिन्हें हम उंगविस कहते हैं, अंडर विच लाइज अ सॉफ्टर टिश्यू कॉल्ड सब उंगविश एंड विच लाई इन द कॉन्टेक्ट विद द लिविंग टिश्यूज। सो ये हो गया हमारा स्किन।
जो इंटेग्यूमेंट था हमारा, उसके मॉडिफिकेशंस और डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं उनमें किस तरह की जो स्किन है वो पाई जाती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड घर में ही रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।